हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th क्वेश्चन 6। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्यूब्स दे रखे हैं, उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एंड द क्वेश्चन इज 2x प्लस 1 का क्यूब। अब अच्छा देखो, 2x प्लस 1 का क्यूब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द आइडेंटिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे, आइडेंटिटी ए प्लस बी का क्यूब। तो ये होता है बेटा आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ओके, ये आपका आइडेंटिटी बनता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ए आपका हो गया 2x और बी हो गया 1। ओके, तो अब देखो आप लिखोगे 2x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी प्लस 3ab। इसका मतलब 3 इंटू 2x इंटू 1 और a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। ओके, अब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x की क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6x। और अभी आपका एक ब्रैकेट रह गया 2x प्लस 1। अब बेटा देखो, अब इसको तो आप ऐसे लिखोगे 8x की क्यूब प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर देखो 6x को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं 6x इंटू 2x। तो 6 को 2 से करोगे तो 6 2 जा 12 और x को x से करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। और 6x को 1 से करोगे तो 6x आएगा क्योंकि 6 1 जा 6, x का x और ये पॉजिटिव। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स। तो x का 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज़ योर आंसर। ओके, अब सेकंड है इसका 2a माइनस 3b की क्यूब। अब बेटा देखो, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a माइनस बी का क्यूब, आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब। तो देखना बच्चा ध्यान से, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2a माइनस 3b का क्यूब इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है इसमें आपकी 2a और b की वैल्यू क्या है 3b। आप माइनस 3b नहीं लिखोगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस पुट है। तो ये हो गया 2a की क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab। a क्या है आपका 2a इंटू 3b और a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b आपका इधर आ गया। 2a का क्यूब मतलब 8a का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 b का क्यूब। अब बच्चा देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 जा 18 माइनस 18ab और आपका यहाँ आया 2a माइनस 3b। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चे, माइनस 18ab माइनस 18ab इंटू 2a, तो 18 2 जा 36, a इंटू a का स्क्वायर b और यहाँ साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि a की जगह माइनस है। तो ये आपका, ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा, माइनस 36 ए स्क्वायर बी। ओके, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका आएगा 18ab इंटू माइनस 3b, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 18 3 जा 54, तो ये आपका हो जाएगा 54, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो प्लस ab स्क्वायर। ओके बच्चा, आई होप दैट आपको समझ आया होगा, बार बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, समझ आएगा। इसका थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3 by, इधर लिखती हूँ 3 by 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखो बेटा, a क्या है आपका 3 by 2x और b क्या है आपका 1। ओके, तो b क्या है आपका 1 है। तो अभी देखो क्या होगा, आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी क्या लगेगी, a प्लस बी का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab
और ए प्लस बी। ओके, तो ए का क्यूब, ए की वैल्यू क्या है, 3/2 का क्यूब हो जाएगा, 3/2 एक्स का क्यूब, प्लस में बी की जगह क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 3 × 3/2 × 1, और यहाँ पर आएगा 3/2 × 1। ओके, अब ये देखो, इसको अगर हम करेंगे 3 × 3 = 9, 3 = 27, 27 2 × 2 = 4, 2 = 8, 8x, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस देखो बच्चा 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 9, 9/2 x, और यहाँ पर आया 3/2 x + 1। अब बच्चा इसको खोलेंगे हम लोग, 27/8 x³ + 1 प्लस, अब यहाँ देखो 9/2 x × 3/2 x, अब यहाँ 2 × 2 = 4 हो गया ये, और 9 × 3 = 27, है ना, तो ये हो जाएगा 27/4 x². ओके बच्चे, एंड अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 x ही आएगा आपका। अब इसको पार्ट्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं अरेंज, 27 x³ प्लस 27/4 ² प्लस 9/2 x प्लस 1, ये 9 है, 9/2 x। इसके बाद है आपका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट इज x − 2/3 y³। ओके, तो अब देखो a माइन आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सॉरी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है आपकी, x है, बी की वैल्यू क्या है, 2/3 y। ओके, ए की क्यूब यानी x की क्यूब प्लस माइनस 2/3 y³ माइनस 3 × x × 2/3 y और x − 2/3 y। अब बेटा x की क्यूब तो x की क्यूब होगा, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, y³ माइनस, देखो बच्चा ये क्या आपका 2/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ध्यान से 3 × x × 2/3 y, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपका 2xy आ गया, माइनस 2xy, x − 2/3 y। ओके, तो ये हो गया आपका x का क्यूब, 8/27 y³ माइनस, अब देखो माइनस 2xy × x, तो माइनस 2x² y हो जाएगा, 2x² y। अब देखो माइनस 2xy को अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस 2/3 y से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y², और ये 2 है ये भी 2 है, तो 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4x, 4/3 x y² आपका लास्ट आंसर क्या आ रहा है, एक बार फिर से देखिए, x की क्यूब माइनस 8/27 − 8/27 y³ − 2x² y प्लस 4